सो फ्रेंड, आज हम आए हैं 11वीं की न्याज में और ये बच्चा मेरे भांजे का है और बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। तो इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था। तो ये मेरे घर के नज़दीक में ही न्याज थी, तो बहुत ज़्यादा बुलाया ख़ास करके, तो हम लोग यहाँ पर आए थे। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड, आज देखते हैं मैंने अपने इस छोटे से ब्लॉग में क्या दिखाया है और आपके लिए क्या खास है। तो देरी ना करते हुए अपने इस छोटे से ब्लॉग को कर देते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड, 11वीं का महीना चल रहा है तो बहुत सारे लोग 11वीं की न्याज करते हैं। तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, लेकिन बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसका एक वीडियो बनाऊं, तो वीडियो मैंने थोड़ा सा सोचा था लेकिन बहुत ज़्यादा बन गया। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये बच्चा अपनी बचपन की सारी फ़ोटो मुझे दिखा रहा था और मुझसे कह रहा था कि आप मोबाइल में ले लो। तो मेरे मोबाइल में तो ऑलरेडी इतने वीडियोस होते हैं कि मैं इसका फ़ोटो तो भी मैंने लिया, और इसके जो फ़ोटो मेरे मोबाइल में मैंने बहुत सारे लिया। हर फोटो मुझे दे रहा था कि आप सारे फ़ोटो मेरे मोबाइल के ले लो, और अपनी मम्मी से कह रहा था कि और भी जितने फ़ोटो हैं वो इनके मोबाइल में दे दो। सो फ्रेंड, ये बच्चे को अपने फ़ोटो से बहुत ज़्यादा प्यार है, और बहुत सारे फ़ोटो इसने निकाले थे, इसके मोबाइल में बहुत सारे फ़ोटो थे, और अपनी मम्मी से कह रहा था कि अपने भी फ़ोटो सारे दे दो। तो मैं इतने सारे फ़ोटो लेकर क्या करूँगी, तो जो ज़रूरी फ़ोटो थे मैंने ले लिए इसके। और बहुत क्यूट क्यूट बातें करता है, बहुत प्यारी प्यारी बातें इसकी मुझे लग रही थी, और मैंने इसके सारे वीडियोस लिए, क्योंकि ये फ़ोटो जो है इतने ज़्यादा खिंचाता है और बहुत प्यार से इसको फ़ोटो खिंचाना पसंद है। और मुझसे ये भी बोल रहा था कि आप जो है मेरे बचपन के फ़ोटो आपने नहीं देखा है तो इसमें देख लो। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने जो है अपने मोबाइल में इसके फ़ोटो लिए, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये मोबाइल में अपना ही फ़ोटो दिखा रहा है। सो फ्रेंड, ये जिसके घर में हम दावत में आए हैं उनकी बच्ची है छोटी, और ये जो सामने खड़ी है रेड कलर का दुपट्टा, तो इन्हीं के घर में दावत है हम लोगों की। बहुत अच्छे लोग हैं और हम लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो सब लोग हमें बुलाते हैं, हर न्याज में बुलाते हैं। जब इनके यहाँ न्याज होती है तो 11वीं की न्याज में हमें ज़रूर बुलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए दोनों, हमारे घर की बहुएँ बैठी हुई, यानी कि मेरी सिस्टर की बहुएँ, और दाल गोश्त पक्का था, खाना बहुत अच्छा था, और गुलाब जामुन वगैरह थे। तो ये घर देख सकते हैं इनका, और बहुत सारे मेहमान आए थे। तो अच्छा लगता है जब 11वीं में बहुत सारे लोग आते हैं, और दावत में जाना भी चाहिए 11वीं की न्याज में। तो यहाँ पर मेरे भांजे को देख सकते हैं, ये अब जा रहे हैं अपने घर, और ये मेरे छोटा भांजा है और एक इससे बड़ा भी है। यहाँ पर ये हाय बोल रहे हैं आप सबको। तो ये इनकी वाइफ है, इनके आपने शादी के वीडियोस देखे होंगे। और अब चलेंगे हम लोग अपने घर पर। तो शाकिब मुझे लेने आए थे, खाली शाकिब और मैं, हम दोनों ही दावत में आए थे और मेरे घर के लोग आए थे। सो फ्रेंड, आप लोग जो है मेरे बच्चे के बारे में बहुत सारी दुआएं की, और आपकी दुआओं से इसकी तबीयत बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से जो है खाना वगैरह खा रहा है। और अभी थोड़ा सा जो है मैंने इसके लिए बाहर से, यानी कि ऑनलाइन वेफर वगैरह मंगाया था, चिप्स वगैरह, क्योंकि जो है इसको मुँह बहुत ज़्यादा फीका फीका था सा था, तो मैंने सोचा कि जो है बाहर से जो है ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया जा सकता है, तो इसे खाना था लेस, तो मैंने इसके लिए लेस मंगवाया है। और ये जो है ना, इसकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत आराम मिला है। इसके डॉक्टर भी हमारा बहुत अच्छा था पेट का,
काफ़ी अच्छा था, तो मैंने जो है इसे जो है चिप्स वगैरह मंगवा के दिए ऑनलाइन, और मैंने इसे कहा कि ये तुम खाओ। और इसको बहुत सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, यानी कि हमने इसका रूटीन एकदम चेंज कर दिया है। इसको हम नारियल पानी और भी बहुत सारे लिक्विड आइटम दे रहे हैं, क्योंकि जब किसी का ऑपरेशन होता है, छोटा ही ऑपरेशन था लेकिन बहुत केयर करना पड़ता है, बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि अगर हम संभालेंगे नहीं तो ज़ख़म होने का डर रहता है। सो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे जो है लिक्विड वाला आइटम दे रही हूँ, और लिक्विड की जो सारी चीज़ें हैं वही देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी वही बताते हैं कि वो सारी चीज़ें दें, क्योंकि इसके जो ऑपरेशन हुआ है तो उसमें थोड़ा सा मुँह इसका फीका फीका सा था, तो मैंने थोड़ा सा अमेज़ॉन से इसे जो है ये चिप्स वगैरह मंगवा के दिया है, और बाहर का हमें ऑयल को, जो गंदा ऑयल होता है उसका हमें खाना नहीं से देना है, और बहुत केयर करना है इसकी। फ्रेंड, आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट भी काफ़ी अच्छा करते हैं, काफ़ी दूर दूर से मुझे देख रहे हैं, जिनको मैं नहीं जानती हूँ लेकिन वो मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट बहुत प्यारा करते हैं और आपके कमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने अपने इस ब्लॉग में क्या दिखाया और आज आपके लिए क्या क्या। सो फ्रेंड, आज बना रहे हैं खिचड़ा, तो खिचड़े का जो मसाला हमने तैयार कर लिया है, और यहाँ पर मैं खिचड़े की जो दालें हैं वो सारी जो है मैंने पका ली है, और वाकई ये खिचड़ा बहुत टेस्टी बना था, और मैं इसे फुल रेसिपी आपको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरीके से खिचड़ा बनाते हैं। और यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला हरी मिर्च ऊपर से ऐड किया है, वैसे मैंने अंदर जब मटन पकाया था तो बहुत सारे मसाले ऐड किए थे, अब ये ऊपर का जो मसाला वगैरह होता है वो सब हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा हरा धनिया पुदीना हमने ऐड कर दिया है, और ये खिचड़ा बहुत अच्छा बना था। बहुत दिनों से मैंने कोई रेसिपी आपसे शेयर नहीं की थी मटन वाली, और मैं वैसे भी आपके साथ शॉर्ट वाली ही रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग भी थोड़ा स्किप कर करके देखते होंगे, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन शॉर्ट करके दिखाऊंगी, क्योंकि पूरी रेसिपी दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर खिचड़ा डन हो चुका है, और सिर्फ थोड़ी सी रोटियाँ बनाई थी, और यहाँ पर मैंने तैयार किया है प्याज, यानी तला हुआ प्याज, और तंदूरी रोटी के साथ ये खिचड़ा बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड, देख सकते हैं कि ये खिचड़ा इस तरीके से हमने बनाया है, बहुत अच्छा बना था और बहुत टेस्टी। अगर आप इसको तंदूरी रोटी से नहीं भी खाना चाहते हैं तो ये इस तरीके से भी आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड, आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और एक नए फ्रेश वीडियो करें इंतजार में।